नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल जिसका नाम है अल्फा रेजिमेंट। दोस्तों मेरा नाम है दीपक गुप्ता और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया के टॉप डिफेंस न्यूज के बारे में। जी हां दोस्तों, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको बता दें अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो अभी के अभी हमारा ये चैनल सब्सक्राइब करने, साथ ही साथ बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। भारतीय नौसेना को जल्द ही मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत एंटी ड्रोन सिस्टम मिलेगा, जिसे DRDO द्वारा विकसित और भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड द्वारा बनाया जा रहा है। यह एंटी ड्रोन 360 डिग्री कवरेज कर सकेंगे। इस एंटी ड्रोन रडार में 5 किलोमीटर या उससे ज़्यादा दूर पर मिनी या माइक्रो ड्रोन का पता लगाने और उसे रोकने की क्षमता होगी। भारत के DRDO ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। DRDO और भारत डायनेमिक्स लिमिटेड द्वारा निर्मित नाग एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल ने भारतीय सेना में शामिल होने के लिए सभी टेस्ट पास कर लिए हैं। जल्द ही ये एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल भारतीय सेना के खेमे में शामिल हो जाएंगी। प्रधानमंत्री ने ट्वीट करते हुए कहा कि गुजरात के काकरापार में भारत के पहले स्वदेशी रूप से निर्मित 700 मेगावाट के परमाणु ऊर्जा संयंत्र ने पूरी कैपेसिटी के साथ काम करना शुरू कर दिया है। प्रधानमंत्री ने इंजीनियरों और साइंटिस्ट को बधाई दी। इसके साथ ही सरकार ने 4 अलग अलग जगहों यानी कि मध्य प्रदेश में चुटका, हरियाणा में गोरखपुर, कर्नाटक में गैंगा, राजस्थान में माही, बांसवाड़ा में 10 स्वदेशी रूप से निर्मित PHWR के निर्माण को मंजूरी दे दी है। मलेशिया, ताइवान और फिलीपींस के सरकार ने चीन के नए मैप के खिलाफ भारत का समर्थन किया है। चीन ने हाल ही में अपना एक नया ऑफिशियल मैप जारी किया था, जिसमें उसने अक्साई चीन समेत अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा दिखाया था, जिसके विरोध में भारत को समर्थन मिल रहा है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी चीन के नए मैप को बेबुनियाद बताया था और कहा था कि ये चीन की पुरानी आदत है। उन्होंने कहा था कि बेतुकी हरकतों से किसी और की जमीन आपकी नहीं हो जाती है। चंद्रयान 3 से जुड़ी एक सबसे बड़ी खबर यह है कि विक्रम लैंडर ने चांद पर कंपन दर्ज की है। करीब 5 सेकंड के लिए विक्रम लैंडर ने कंपन को महसूस किया। इसरो ने कहा कि चांद पर आए भूकंप को लेकर लैंडर ने डाटा भेजा है, जिस पर जांच चल रही है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो हमारा ये चैनल अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों आपसे अलविदा लेते हैं, मिलेंगे एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।